फेमिनिस्ट न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। मोदी के इस मंत्री के गोद लिए गांव में स्कूली बच्चे धो रहे बर्तन, वीडियो वायरल से खड़े हुए सवाल। नई दिल्ली, गाजियाबाद। यूपी की गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जिस गांव को गोद लिया, उस गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बच्चों से स्कूल में बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्कूल प्रबंधन के लोग भी मौके पर खड़े हुए हैं और बच्चे पास में हैंडपंप चलाकर पानी भर रहे हैं। उसी पानी से वह बर्तन मांजने का काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लूनी इलाके में यह सरकारी प्राइमरी स्कूल, गांव का नाम मीरपुर हिंदू है। बता दें कि इस गांव को साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विदेश राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने गोद लिया था। इस गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का वादा सांसद जी ने किया था, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन स्कूल का स्टाफ ही उनकी इस कामयाबी पर पलीदा लगा रहा है। गांव का यह स्कूल आदर्श स्कूल माना जाता है और इस स्कूल में स्मार्ट क्लासेस भी चलती है। जाहिर है कि यह सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से संसाधनों के मामले में कम नहीं है। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर यहाँ से सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी करने पर पता चला कि स्कूल में मिड डे मील आया था और उसके बाद स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों से स्कूल के स्टाफ ने ही बर्तन मांजने को कहा। यही नहीं, बर्तन मांजने के लिए पानी भी स्कूल के ही हैंडपंप से भरवाया गया। वीडियो की सत्यता के बाद की जाएगी जांच। मामले में हमने स्कूल स्टाफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो सामने आने तक स्कूल स्टाफ स्कूल से जा चुका था। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोनी के SDM आदित्य प्रजापति ने कहा, वीडियो की सत्यता की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले में प्राथमिक तौर पर स्कूल स्टाफ की लापरवाही नजर आ रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए IG Play Store से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।